एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग विद सलोनी। तो आज हमारा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 का है, सॉल्व फॉर एक्स के लिए। क्वेश्चन है 9x स्क्वायर माइनस 9 ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0। हमें x फाइंड करना है। सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब जो हमारे पास टर्म्स है उससे हम ए बी सी फाइंड कर लेते हैं। ए इक्वल, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 9, बी इक्वल एक्स का कोफिशियंट माइनस में 9 ब्रैकेट में ए प्लस बी, सी मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म। कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, ये वाली टर्म 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। अब हम डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला देखते हैं। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे हम b स्क्वायर माइनस 4ac से, 4ac। उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे हम माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल बी स्क्वायर माइनस 9 ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 मल्टीप्लाई a इंटू सी, 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर इक्वल माइनस 9 का होल स्क्वायर, 9 9 21, माइनस माइनस प्लस, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 9 36 ब्रैकेट में 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस के इधर लेफ्ट में और राइट में दोनों 9 के मल्टीपल्स है, तो 9 को हम कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर बचेगा 9 9 21, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 9 4 36, 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर, 9 ब्रैकेट में। अब यहाँ पर 9 ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, माइनस 4 का मल्टीप्लाई होल ब्रैकेट में कर देते हैं, 4 2 8 स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4 5 20 ab माइनस प्लस माइनस 4 2 8 b स्क्वायर इक्वल 9 ब्रैकेट में 9 का मल्टीप्लाई अंदर 9 स्क्वायर प्लस 9 2 18 ab प्लस 9 b स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर माइनस 20ab माइनस 8b स्क्वायर इक्वल 9। अब इन्हें अरेंज करेंगे, 9a स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर प्लस 18ab माइनस 20ab प्लस 9b स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर इक्वल 9 ब्रैकेट में 9 में से 8 गया 1 मतलब a स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा, 18 माइनस 20 मीन्स 20 माइनस 18 2ab, प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा, 9 में से 8 गया 1 मतलब b स्क्वायर। अब ये तो आइडेंटिटी दिख रही है हमें, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, तो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आ चुका है। अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय 2a, माइनस बी, माइनस बी की वैल्यू क्या है, माइनस 9 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, अंडर रूट डी 9 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, होल के अपॉन में 2a, 2 इंटू 9। अब इसे सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस माइनस, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, तो रूट से 9 बाहर आ गया और स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा मतलब a माइनस बी भी बाहर, तो रूट कैंसिल हो गया। यहाँ पर 2 9 18, दोनों 3 के मल्टीपल दिख रहे हैं, 3 को कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा 3 3 9 a प्लस बी प्लस माइनस, 3 बाहर गया a माइनस बी,
होल के अपॉन में 18, इसे हम कैंसिल करेंगे, 3 1 3, 3 6 18। अब वैल्यू को लिखेंगे 3a + b + a - b/6। अभी आगे सॉल्व नहीं होगा तो हम सेपरेट कर लेते एक बार प्लस में एक बार माइनस में एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए। 3a + b + a - b/6 और 3a + b - a - b/6। एक बार हमने इसी वैल्यू को प्लस में लिख लिया, एक बार इसी वैल्यू को माइनस में लिख लिया। अब सॉल्व करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई अंदर 3a + 3b + a - b/6। यहाँ सॉल्व करेंगे 3a + 3b - a - b/6। अब 3a + a 4a, 3b - b + 2b/6। अब इसमें से हम 2 को कॉमन निकाल सकते हैं तो 2 ब्रैकेट में 2a + b/6। 2 1 जा 2 3 जा, तो x की यही वैल्यू क्या आ गई, 2a + b/3। यहां पर है 3a - a 2a, 3b + b 4b/6। दोनों में से 2 कॉमन निकाल सकते हैं तो ये हो जाएगा a + 2b/6। 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो एक वैल्यू क्या आ गई, a + 2b/3। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आई, x = 2a + b/3 और a + 2b/3। ये है हमारा आंसर। ये क्लास 10 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, IMP लगा के रख लो इसको। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया और हमारे पास x की दोनों वैल्यूज आ चुकी है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।